हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है श्याम और मेरा चैनल डिफरेंट ज्ञान पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन आसाम काहिलीपाड़ा गुवाहाटी 19 एक ऑफिशियली नोटिस जारी किया है कि जो भी स्टूडेंट रिसेंटली HSLC, HS, BA फर्स्ट किया है, उन लोग अगर हायर यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट या प्रोविडेंस कॉलेज में हायर एजुकेशन के लिए एडमिशन लेना जाएंगे तो भी उन लोगों के पास एक यूनिक आईडी होना चाहिए। विदाउट यूनिक आईडी कोई भी स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाएगा। तो आप ये यूनिक आईडी कैसे जनरेट कर पाओगे, किस तरह यूनिक आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर पाओगे, आप इसी वीडियो पूरा देखते रहिए। इस वीडियो पर आप सीखेंगे कैसे अपने मोबाइल से घर बैठे आप यूनिक आईडी जनरेट कर पाओगे। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिएगा, आप डायरेक्ट ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाएंगे जहाँ से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। मैं ऑफिशियल वेबसाइट पर हूँ। देखिए, यहाँ पे डायरेक्टर ऑफ हायर एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ आसाम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर यूनिक आईडी जनरेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन रजिस्टर योर इन्फॉर्मेशन टू जनरेट द यूनिक आईडी, यू मस्ट फिल द डाटा प्रॉपरली एंड करेक्टली। आप जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करेंगे तो आप करेक्टली और प्रॉपरली कीजिएगा, कोई भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कॉन्फर्मेशन SMS विल बी सेंड टू द मोबाइल, आपका कॉन्फर्मेशन SMS आपका मोबाइल रजिस्टर मोबाइल पे सेंड कर दिया जाएगा। आप कोई भी यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने जाएंगे, जब एडमिशन लेने जाएंगे उसी वक्त यूनिक आईडी की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही यूनिक आईडी जनरेट कर पाएगा। सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप करने के बाद आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक कॉन्फर्मेशन SMS जाएगा, उसी पे आपका यूनिक आईडी रहेगा, उसी को आप प्रिंट आउट एंड अदरवाइज स्क्रीनशॉट करके रखिएगा फॉर फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट, आप गो फॉर रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ गया आपका सामने। आप उसी को एक बार देख लीजिए केयरफुली, उसके बाद आप केयरफुली फिलअप कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल एक्टिव मोबाइल नंबर, आप फर्स्ट नेम आपका दीजिए, मैं अपना फर्स्ट नेम दे देता हूँ। नेक्स्ट, अगर आपका मिडिल नेम है तो मिडिल नेम दीजिएगा, अगर आपका मिडिल नेम नहीं है तो ये कलम ब्लैंक रख दीजिए। मेरा मिडिल नेम नहीं है इसलिए मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ इस कलम को, मैं लास्ट नेम देता हूँ। नेक्स्ट, आपका फादर्स नेम दीजिए। नेक्स्ट, आपका मदर्स नाम दीजिए। उसके बाद आपका एक्टिव मोबाइल नंबर दीजिए। उसके बाद आप DOB दीजिए। DOB आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं DOB, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका DD और MMYY दीजिए। जैसे कि मेरे DD है 29, उसके बाद ऑब्लिक यूज़ करूँगा, उसके बाद मंथ यूज़ करूँगा 07/1987। फिर आप बाहर पे क्लिक कीजिए। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट कीजिए, आप कौन सा जेंडर, मेल है तो मेल सिलेक्ट कीजिए, फीमेल है तो फीमेल सिलेक्ट कीजिए, मैं मेल हूँ मेल सिलेक्ट करता हूँ। रिलीजन, आप कौन सा रिलीजन पे बिलोंग करते हो, आप अगर बुद्धि हो बुद्धि सिलेक्ट कीजिए, हिंदू हो तो हिंदू सिलेक्ट कीजिए, मुस्लिम हो तो मुस्लिम सिलेक्ट कीजिए, मैं हिंदू इसलिए हिंदू सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आप कास्ट सिलेक्ट कीजिए, कास्ट आप कौन सा कास्ट में बिलोंग करते हो, जनरल हो तो जनरल सिलेक्ट कीजिए, OBC हो तो OBC पर सिलेक्ट कीजिए, SC हो तो SC सिलेक्ट कीजिए, ST पे तो ST पी एंड ST H आप सिलेक्ट कीजिए, मैं OBC तो OBC सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद पर्संस विथ डिसेबिलिटी PWD, अगर आप डिसेबिलिटी हो तो यस सिलेक्ट कीजिए, नहीं हो तो नहीं सिलेक्ट कीजिए, मैं नो हूँ इसलिए नो सिलेक्ट करता हूँ। स्टेट ऑफ डोमिसाइल, आप कौन सा स्टेट में बिलोंग करते हो, आप आसाम से हो आसाम भी सिलेक्ट कीजिए, अगर आप बिहार से हो बिहार सिलेक्ट कीजिए, अरुणाचल प्रदेश से हो अरुणाचल प्रदेश सिलेक्ट कीजिए, मैं आसाम से हूँ आसाम सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से आप कौन सा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, बक्सा या बक्सा, बरपेटा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, काछार, चराइदाव, डिमासा, मैं आप जिस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कीजिए, मैं कामरूप मेट्रो से हूँ मेट्रो सिलेक्ट करता हूँ। फ्रेंड्स, ये कलम बहुत केयरफुली देखिएगा और केयरफुली फिलअप कीजिएगा। देखिए, एग्जामिनेशन एंड कोर्स इन्फॉर्मेशन, आप कौन सा क्लास में एडमिशन लेने जा रहे हो, सीकिंग एडमिशन फॉर डाटा लिस्ट, आप
हायर सेकेंडरी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो हायर सेकेंडरी सिलेक्ट कीजिए, अंडर ग्रेजुएट यानी बीकॉम बीए बीएससी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो अंडर ग्रेजुएट सिलेक्ट कीजिए, पोस्ट ग्रेजुएट में सिलेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट कीजिए, जैसे कि एम कॉम एमए सिलेक्ट एडमिशन लेने जा रहे हो तो यही सिलेक्ट कीजिए। मैं पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने जा रहा हूँ इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद सीकिंग एडमिशन ईयर एंड सेमिस्टर, आप कौन सा सेमिस्टर में एडमिशन लेने जा रहे हो, फर्स्ट सेमिस्टर हो तो फर्स्ट सेमिस्टर सेलेक्ट कीजिए, थर्ड सेमिस्टर हो थर्ड सेमिस्टर सेलेक्ट कीजिए, अगर आप सेकंड सेमिस्टर एडमिशन ले जा रहे हो तो यहाँ पे आपका शो करेगा सेकंड सेमिस्टर, उसी को सिलेक्ट कीजिएगा। मैं फर्स्ट सेमिस्टर एडमिशन लेने जा रहा हूँ इसलिए फर्स्ट सेमिस्टर सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट लास्ट एग्जामिनेशन फर्स्ट, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने जा रहे हो तो लास्ट एग्जामिनेशन कहाँ से पास किया है, जैसे कि आप अगर हायर सेकेंडरी में एडमिशन लेने जा रहे हो तो लास्ट एग्जामिनेशन होगा आपका, लास्ट एग्जामिनेशन पास होगा आपका ACSLC। अगर आप अंडर ग्रेजुएट में एडमिशन लेने जा रहे हो तो लास्ट एग्जामिनेशन पास होगा आपका HS हायर सेकेंडरी होगा। मैं पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने जा रहा हूँ तो मेरा लास्ट एग्जामिनेशन पास होगा UG, यानी मैं बीकॉम पास करके आया हूँ इसलिए बीकॉम पे UG से सिलेक्ट करूँगा। रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करें, आप पोस्ट ग्रेजुएट में एडमिशन लेने जा रहे हो तो कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे होगा, इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, डिटेल्स यहाँ पे आ जाए शो करेगा, आप उसको पढ़ लीजिए एक बार। जैसे कि आप हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ HSLC बोर्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दीजिएगा। अगर आप हायर सेकेंडरी सेकेंड ईयर में एडमिशन लेने जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर HSLC बोर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर HS फर्स्ट ईयर का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दीजिएगा। अगर आप UG फर्स्ट सेमिस्टर में एडमिशन लेने जा रहे हो, जैसे कि बीए बीकॉम पे फर्स्ट सेमिस्टर एडमिशन लेने जा रहे हो तो रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ हायर सेकेंडरी का रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे दीजिएगा। उसी तरह थर्ड सेमिस्टर फिफ्थ सेमिस्टर का भी, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट फर्स्ट सेमिस्टर में एडमिशन लेने जा रहे हो तो UG यानी बीए बीकॉम का रजिस्ट्रेशन नंबर वहाँ पे दीजिएगा। उसके बाद आप ये विंडो क्लोज कर दीजिए, क्लोज बटन पर क्लिक कीजिए, क्लोज हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, मैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दे देता हूँ। उसके बाद आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स दीजिए, अगर आपका आपका नाम से बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट डिटेल्स दीजिए, अदरवाइज अगर आपका नहीं है तो आपका पेरेंट्स का भी बैंक अकाउंट डिटेल्स यहाँ पे दे सकते हो। मैं अपना बैंक अकाउंट है इसलिए बैंक अकाउंट होल्डर नेम यहाँ पे मैं अपना नाम लिखूंगा। उसके बाद बैंक अकाउंट नंबर मैं दूंगा। उसके बाद बैंक IFSC कोड दूंगा। इसके बाद यहाँ पे इस चेकबुक पर चेक कीजिए, यहाँ पे क्या लिखा है, आई सर्टिफाई दैट द अबव इन्फॉर्मेशन आई हैव प्रोवाइडेड इज ट्रू एंड कंप्लीट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, आई एम अवेयर दैट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय मी इज सब्जेक्ट टू रिव्यू एंड वेरिफिकेशन। आप इस चेकबुक को चेक करने के बाद आप फिर स्क्रॉल करके आप सब एक बार इस फॉर्म को रिव्यू कर लीजिए, कोई कहाँ पर कहीं पर भी मिस्टेक है या नहीं देखिए, ये मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ये या इस बटन पे ये फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, यह मिस्टेक हो रहा है, देखिए इसी तरह आप एक बार चेक कर लीजिए कहीं पे मिस्टेक है या नहीं। चेक करने के बाद आप नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए, सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर पे कंफर्मेशन SMS जाएगा, उसी SMS को आप प्रिंट आउट करके जरूर रखिएगा और यूनिक ID भी उसी पे हम मिल जाएगा आपको। अगर इस वीडियो को फ्रेंड इस वीडियो को यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर फॉर्म फिलअप करने में कोई भी दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम फेस हुआ तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। ओके, थैंक यू गाइस, स्टे सेफ।